हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एप्टीट्यूड। फ्रेंड्स, यही कॉमर्स एप्टीट्यूड यूट्यूब चैनल रे वर्तमान सीएचएससी प्लस टू सेकेंड ईयर कॉमर्स पिलामानको पई रेगुलर बेसिस रे वीडियोस प्रोवाइड करा जाउची। ऑलरेडी अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एवं कॉस्ट अकाउंटिंग रो किछि पोर्शंस वीडियोस अपलोड कर दिया जाइची। जो मैंने भी फर्स्ट टाइम पे चैनल को विजिट करुछंती, मु तांको सजेस्ट करी भी चैनल रो प्लेलिस्ट को जिबे, सेटारे सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअली प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया जाइछि। क्लासेस गुड़ी को अवेलेबल अछि सेटारे, सो क्लासेस गुड़ी को देखंतु। जदि कांसेप्ट बुझी पारुछंती, वीडियोस भलो लागुछि, ताहाले वीडियो को गोटे लाइक देबा सहित निजर समस्त कॉमर्स फ्रेंड मानक सहित शेयर करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित साइड रे जो बेल आइकन टी अछि ताकू मध्ये हिट करिवे, सो दैट जेतेबेले भी मु नुवा वीडियो अपलोड करबी पिले तुम मानकू नोटिफिकेशन टी शीघ्र मिलि जिवो एवं तुम्हें जल्दी वीडियो टी को देखी परिबो। सो आज क्लास रे आमे पढ़ुले फ्रेंड्स कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग रो यूनिट वन रो आज हूँ क्लास नंबर फोर, जोटि की एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग विषय रे आमे पढ़िबा। सो ऑलरेडी या पूर्वरु तीनोटी क्लास रो वीडियो मध्ये अपलोडेड कर दिया जाइछि एवं मु अकॉर्डिंग टू सीएचएससी प्लस टू सिलेबस अनुसार वीडियोस गुड़ी को प्रोवाइड करुची। ओके, सो अगेन कहुची निजर समस्त कॉमर्स फ्रेंड मानक सहित लिंक निश्चित भाव रे शेयर करिवे। सो आज आम देखा आडभांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो पिले आडभांटेजेस एंड लिमिटेशन कहले कौन बुझ ना, देख गोटे लोकर किसी भल गुण थाए कि खराब गुण थाए। ओके, जदि मु तुमको पचारि तुम भल गुण कौन, तुम्हें कहबे मु सकाल छटू उठी जाए, सकाल छटू उठिक जल्दी जल्दी मोर नित्यकर्म कै, ठीक समय पाठ पढ़े, ठीक समय खाद्य खाए, ठीक समय शोवाकू जाए, ठीक समय मोर जतक भी होम आक्टिविटज अच्छी सबू कै। सो एगुड़िक मोर भल गुण। जदि खराब गुण मु तुमको पचारि तुम्हें कह हाँ टी पाठ पढ़ला बेले व्हाट्सअप टी मु यूज कै, यूट्यूब यूज कै, मोबाइल टी अधिका समय यूज कै। सो एगुड़िक हूँ मोर बैड हैबिट्स बैड आक्टिविटज। तो से ही भाव प्रत्येक जिनसर किसी आडभांटेजेस अच्छी अर्थात भल गुण अच्छी, किसी डिसएडभांटेजेस लिमिटेशंस अच्छी अर्थात खराब गुण अच्छी। से भाई भाव कॉस्ट अकाउंटिंग भी मध्य किसी आडभांटेजेस अच्छी, किसी डिसएडभांटेजेस लिमिटेशंस अच्छी। सो आडभांटेजेस कौन कौन आसुची देख, क्या क्या कॉस्ट अकाउंटिंग भल को कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करे तो ताइट आडभांटेजेस। सो देख नॉर्मली आम पांचोटी आडभांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अच्छी, जमीक आडभांटेजेस टू मैनेजमेंट, एडवांटेजेस टू क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर, एडवांटेजेस टू गवर्नमेंट, एडवांटेजेस टू कंज्यूमर, एटा कंज्यूमर स्पेलिंग टी ठीक करदेव, एडवांटेजेस टू वर्कर। सो नॉर्मली पांचोटी प्रकार आमर एडवांटेजेस अच्छी अर्थात यही पर्सनस यही लोक मानू कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करे। ओके, सो क्यों भाव में हेल्प करे आज क्लास देखा। सो फर्स्ट देखा एडवांटेजेस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अर्थ ऑर्गेनाइजेशन भितर जो सब कार्यगुड़िक जो ऑफिस अच्छी। ओके, से जो ऑफिस जो एम्प्लॉइज माने काम करुछंती, जो मैनेजर माने काम करुछंती, जो माने कि डिसीजन मेकिंग करती, तो तांको पाई बा मैनेजमेंट पाई कौन एडवांटेजेस रही कॉस्ट अकाउंटिंग द्वारा। देख एठार किसी पॉइंट डिस्कस करा जाइछि फ्रेंड, मु यार छोटो बा सब नोट गुड़िक लिखी, जदि यार फुल नोट तुमको दरकार ताले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु बुक रो पीडीएफ दे दीची। सो तुम्हें से नोट कर पार, बास एठी खाली तुम्हें मोर ऑडियो को शुण एवं बुझाक ट्राए कर। ओके, सो फॉलोइंग सर सम ऑफ एडवांटेजेस ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग टू द मैनेजमेंट कौन, प्रथम कहला डिस्क्लोज प्रॉफिटेबिलिटी एंड नॉन प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटी। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करे मैनेजमेंट को प्रॉफिटेबिलिटी एंड नॉन प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई बा डिस्क्लोज करने, अर्थात कौ कार्यगुड़िक बिजनेस को प्रॉफिट दबो, कौ कार्यगुड़िक बिजनेस को प्रॉफिट दबो ना, से गुड़िक कॉस्ट अकाउंटिंग देखे दिए। सो दैट बिजनेस कौन करिबो, जो कार्यगुड़िक प्रॉफिट दबो ना से कार्यगुड़िक करिबो ना, ओके ताकू एलिमिनेट कर दबो, एवं जो कार्यगुड़िक द्वारा बिजनेस अधिका प्रॉफिट पाइबो ता उपरे अधिका फोकस दबो, बुझी होउछि। सेकेंड आसला मेजर एफिशिएंसी। देख ऑर्गेनाइजेशन भितर जिते गुड़िया सब वैल्युएबल डाटा रही, से वैल्युएबल डाटा को यूज करी कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करे ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट रे जो कार्यगुड़िक होते एफिशिएंटली केते परफेक्टली होटा को डिटरमाइन करे बा मेजर करे। ओके, सो जिते एफिशिएंटली कामगुड़िक होजने से प्रॉफिट अन कर, बुझी एवं कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करे मैनेजमेंट को जे एफिशिएंसी को धीरे धीरे इम्प्रूव कराइबापी। ओके, अच्छा से थर्ड आसला हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, मु ऑलरेडी कही देख, फोर्थ भी कहला हेल्प इन कॉस्ट रिडक्शन। सो कॉस्ट कंट्रोल एवं कॉस्ट रिडक्शन भितर फ्रेंड्स किसी मात्र सामान्य डिफरेंट अच्छी, डिफरेन्सेस अच्छी।
सो या उपरे मु गोटे बनेबी वीडियो टे नॉर्मली एबे वर्तमान पे जानो जे एई दुईटी जिनिस कोन करंती ना बिजनेस रे जेते कॉस्ट लागुची से कॉस्ट को कमे बारे हेल्प करंती ओके प्रोडक्शन बेले जति की कॉस्ट लागुची से कॉस्ट को कमे बारे हेल्प करंती। सो यही जो कॉस्ट कंट्रोल एवं कॉस्ट रिडक्शन थ्रू रे कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करे ना प्रोडक्शन रे जति की कॉस्ट लागुची से कॉस्ट को कमे बारे हेल्प करे। तो या परिणत रे कौन हुए माने कौन हुए या फल रे ना जदि आमर कॉस्ट टी पिले कम लागिबो बिजनेस रो प्रॉफिट बड़ी बड़ी चालिबो ओके। अच्छा कॉस्ट कंट्रोल एवं कॉस्ट रिडक्शन द्वारा कौन हुए ना जेतक आज्य बाज्य खर्च रहिला ओके जे खर्च द्वारा बिजनेस लॉस हो जे खर्च द्वारा बिजनेस रो लॉस हो से खर्च गुड़ी को एलिमिनेट कर दिया जाए बा रिड्यूस कर दिया जाए सो दैट टोटल आमर जो प्रोडक्शन रे कॉस्ट लागुची सेइटा कमी जिवो सेइटा कमीबा फल रे आमर प्रॉफिट टी बढ़िबो। मन रहिबो जदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आमर कमुची कम कॉस्ट लागुची प्रोडक्शन करिवार रे ताले आमे अधिक प्रॉफिट अर्न करिवा ओके। नेक्स्ट आसिला हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। सो मैनेजमेंट रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन मेकिंग नेबारे मध्य कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करे ना मैनेजमेंट को हेल्प करे बुझियो जी डिसीजन भीतर तुमर आसीबो जे प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट को टाइप रा प्रोडक्ट को आमे प्रोड्यूस करबा कथा बा प्रोडक्शन करबा कथा ओके को मार्केट रे आमे बिजनेस बा को मार्केट रे प्रोडक्ट को आमे एक्सप्लोर करबा कथा तापरे प्रोडक्शन पे जो मेथड आमे फॉलो करूचे को मेथड टी परफेक्ट रहइबो लेबर द्वारा प्रोडक्शन करले भलो रहइबो ना मशीन द्वारा प्रोडक्शन करले भलो रहइबो। सो ए टाइप रो डिसीजन नेबारे मध्य कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करे। तापर डिटरमिनेशन ऑफ अ प्राइस जो प्रोडक्शन गुड़ी को करा गल्ला प्रोडक्ट गुड़ी को प्रोडक्शन करा गल्ला तो सही प्रोडक्ट रो मार्केट रे केते टंका रे बिक्री करा जीवो तार सेलिंग प्राइस मध्ये डिटरमाइन करिवारे कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करे। नेक्स्ट आसिला गाइड्स फ्यूचर प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन ओके। सो फ्यूचर प्रोडक्शन पॉलिसी सो फ्यूचर रे आमे किभली भाबरे केते प्रोडक्शन करिबा बुझियौची एवं केते परिमाण रे प्रोडक्शन करिबा एगुडी करे मध्ये हेल्प करे किए ना कॉस्ट अकाउंटिंग कोई जिनस को प्रोडक्शन कले अधिक आमर प्रॉफिट रहइबो। सो प्रोडक्शन पे किसी पॉलिसीज मध्ये फॉर्मुलेट करा जाय पिले पॉलिसीज अर्थ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्सपेंशन कहला अर्थ बढ़ेबा आज आमे प्रोडक्शन गोटे जिनसर करूचे खाली आउ गोटे जिनसर प्रोडक्शन करबा। सो एई सब डिसीजन मेकिंग बा एई सब पई मध्ये कॉस्ट अकाउंटिंग गाइड करे मैनेजमेंट को। नेक्स्ट आसिला एप्लीकेशन ऑफ अ कॉस्ट ऑडिट। सो कॉस्ट ऑडिट अर्थ कोन ना कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को आमे जो रिकॉर्ड करी थाउ ताकू रेगुलर बेसिस रे चेकिंग करिवा को फ्रेंड्स कॉस्ट ऑडिट कुआ जाए ओके। सो कॉस्ट अकाउंटिंग द्वारा कॉस्ट ऑडिट करा जाए कॉस्ट ऑडिट करिवा द्वारा कौन हुए ना जदि आमे कॉस्ट को किंबा जे कॉस्ट रिलेटेड जे कोनोसी इन्फॉर्मेशन्स को रिकॉर्ड करिवा रे किछि भूल करिचे किछि एरर रहिछि किछि मिस्टेक रहिछि एही कॉस्ट ऑडिट द्वारा सेई एरर धरा पड़िबो एवं से एरर को आमे रेक्टिफाई बा ठीक करि परिबा ओके। लास्ट आसिला चेक इन फाइनेंशियल चेक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग तुम्हें वर्तमान तो नुह ग्रेजुएशन रे पढ़ जे फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्रू रे बिजनेस रो केते प्रॉफिट बाहर कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करी सही बिजनेस रे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करिबा जदि दीटा कि अकाउंटिंग रे प्रॉफिट समान बाहरला ताले हमें जानिबा जे हमर प्रॉफिट टी ठीक अछि ओके। तेणु फाइनेंशियल अकाउंटिंग रे जहाँ भी प्रॉफिट बाहरी थी कॉस्ट अकाउंटिंग तार रूल्स एवं तार टेक्निक्स को यूज करी प्रॉफिट टी कैलकुलेट करिबो ओके। अच्छा से गला चेक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को चेक करिवो जे फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्रू रे जो प्रॉफिट टी बाहरी सेटा ठीक ना भूल बुझेला। वर्तमान देखिबा सेकंड एडवांटेज दैट इज एडवांटेज टू इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर पिले क्रेडिटर अर्थ जहाँ आम जिन बाकी आनी था बिजनेस जहाँ जिन बाकी आनी थाए इन्वेस्टर अर्थ जो लोक मैंने बिजनेस रे निजर पूंजी निवेश करी थांती ओके। सो इन्वेस्टर हूँ किंबा क्रेडिटर हूँ से सब बेले जज करती कौन ना क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ अ बिजनेस पिले क्रेडिट वर्दिनेस अर्थ गोटे बिजनेस रो क्रेडिट नेबारे बा ऋण नेबार क्षमता केते जदि गोटे बिजनेस काठ रु ऋण नेइची ताले से ऋण को परिशोध करिवार क्षमता ता पाखरे अछि ना नाही सेतिक परिमाण से कैपेबल कि नाही सेही जिंसटा को कुआ जाय फ्रेंड्स क्रेडिट वर्दिनेस। सपोज बैंक जेतेबेले मते लोन दब बैंक सर्वप्रथमे मोर क्रेडिट वर्दिनेस चेक करिवो दैट मु ए लोक को लोन दउची ए लोक मते लोन परिशोध करि पारिबो ना करि पारिबोनी।
सो से ही भाव में प्रत्येक इन्वेस्टर एवं क्रेडिटर सब चाहती जे जो बिजनेस को से ऋण दौंस बाकी जिनस दे तार क्रेडिट वर्दिनेस टी सब हाई था कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वेस्टर एवं क्रेडिटर मान को यही क्रेडिट वर्दिनेस विषय जज करने हेल्प करें बुझे गुड अकाउंट गुड सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग द्वारा कौन करा जाए ना क्रेडिट वर्दिनेस टी शो करा जाए लोक मानकू इन्वेस्टर क्रेडिटर मानकू सो दैट जदि गोटे कंपनी रो क्रेडिट वर्दिनेस टी भल अच्छी हाई अच्छी ताले बेसी रु बेसी इन्वेस्टर एवं क्रेडिटर कौन हे ना कंपनी प्रति आट्राक्ट हे अर्थात इन्वेस्टर मैंने निजर पूंजी अधिकारू अधिक निवेश करेंगे कंपनी रे एवं क्रेडिटर मैंने कौन करेंगे ना बाकी जिनस देते कहीं से जानते आम जो भी पूंजी नवेश कलु जहाँ भी बाकी देलु से पैसा आमको मिलजि कहीं कंपनी रो क्रेडिट वर्दिनेस टी भल अच्छी सो एसबु जिनस इनफर्मेशन किए प्रोवाइड कै यू ना कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आम देखा एडवांटेज टू गवर्नमेंट सो गवर्नमेंट को कौन एडवांटेज मिलूँ कॉस्ट अकाउंटिंग द्वारा ना बिजनेस जतक भी जो गवर्नमेंट जो टैक्स अच्छी जो आमर कर अच्छी जमी गोटे एक्साइज ड्यूटी अच्छी गोटे इनकम टैक्स अच्छी सो एगुड़िक कैलकुलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करे ता सहित गवर्नमेंट जिते गुड़े पॉलिसीज बा प्लान्स गुड़िक रही कापाई इंडस्ट्री पाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट बा टैक्सेशन पाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट अर्थ कौन आमदनी रप्तानी एवं कर जोटा कि टैक्स टैक्स हेले इंडस्ट्री हेले एमानक रिलेटेड गवर्नमेंट जो सब प्लान पॉलिसीज तैयारी करती से कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करे गवर्नमेंट को। तापर कहला प्रिपेरेशन ऑफ अ नेशनल प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट देशर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बा आर्थिक डेवलपमेंट करने जो नेशनल प्लान सब कराए जमीती आमर ओडिशा राज्य जमी गरीब मान डेवलप करने का योजना दिगला ओके नहले आमर जमी पीएम किसान योजना सब अच्छी लोक मानक इंदिरावास दि जाऊँ बुझे तो सेगुड़ी गोटे गोटे नेशनल प्लान सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई जो सब नेशनल प्लान करा जाए से कॉस्ट अकाउंटिंग गवर्नमेंट को हेल्प करे। तापर आसला फिक्सेशन ऑफ अ प्राइस एंड वेज लेवल पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट सो प्राइस को फिक्स करिवार जो केते टंका रे गुड्स सेल हबो मार्केट रे वेज लेबल अर्थात केते टंका लोक मानकु मजूरी आकार दिया जिबो पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड पिले डिविडेंड रो अर्थ गोटे टाइप रो इंटरेस्ट जो इन्वेस्टर माने निजर पूंजी को बिजनेस रे इन्वेस्ट करिथांती से मानकु आमे रेगुलर बेसिस रे किछि इंटरेस्ट पे करिथाउ एवं से जो इंटरेस्ट बा जो तांकु रिटर्न पे करू तांको इन्वेस्टमेंट बदल रे ताकु ही डिविडेंड कुआ जाय सो केते टंका डिविडेंड दिया जिबो एवं कॉस्ट रिलेटेड किंबा ऑर्गेनाइजेशन कंपनी भितर जहाँ भी किसी कॉस्ट रिलेटेड डिस्प्यूट रही अर्थात द्वंद्व रही सेटलमेंट करिवारे कौन हेल्प करे कॉस्ट अकाउंटिंग सो ये डिस्प्यूट गुड़िक रही क्या सहित गवर्नमेंट सहित जो डिस्प्यूट रही गोटे कंपनी गवर्नमेंट सहित जहाँ भी डिस्प्यूट अच्छी जहाँ भी पंगा अच्छी जो को आम कहूँ सेगुड़िकड्यूस कर सल्व करें सेटलमेंट करेबारे कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करे। नेक्स्ट आसला एडवांटेज टू कंज्यूमर कंज्यूमर बा ग्राहक मानक किभली भाव में कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करे बा तार एडवांटेज कौन रही देख ग्राहक कथा कहला मैंने सर्वप्रथमे माइंड आसीबो जे प्रत्येक पब्लिक बा प्रत्येक कंज्यूमर कौन चाहती ना कम टंका रे सबुटु भल द्रव्य से माने नीड करती बा दरकार बुझे अच्छा सो एठी कॉस्ट अकाउंटिंग किभली भाव में हेल्प करे देख कॉस्ट अकाउंटिंग कौन करे ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कमाई दिए आमे जेतिकी टंका रे गुड्स प्रोड्यूस करूचू से जेतिकी कॉस्ट लागूची से कॉस्ट को कमेबारे हेल्प करे जदि कॉस्ट ही आमर प्रोडक्शन कॉस्ट ही कमीगला ताहले आमे जो प्राइस रे सेल करिबा गुड्स को से प्राइस मध्य सेलिंग प्राइस मध्य कमी जिवो जदि सेलिंग प्राइस कमीगला मार्केट रे जदि लो प्राइस रे प्रोडक्ट अवेलेबल हैला ताहले अधिकारु अधिक लोक किणिबे अर्थात सेल डी आमर बढ़ी जिवो मोर सेलिंग हबो जदि अधिकारु अधिक लोक किणिले ताहले नो डाउट बिजनेस रे प्रॉफिट मध्य अधिक हबो एटा को गोटे छोटिया न्यूमेरिकल एग्जांपल सहित बुझिबा सपोज गोटे नटराज पेनसिल तैयारी करने आमर कॉस्ट लगुच अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तीन टंका ताहले याकु बर्तन मार्केट रे सेल करा जिवो पांच टंकारे बुझीला जदि पांच टंकारे नटराज पेन अवेलेबल रहिला सौ टी पेनसिल सेल हैला बुझी हो फ्रेंड्स सो सौ टी पेनसिल सेल हैला माने आम टोटल केते टंकारे सेल कले ना पांच टंका बुझी अच्छा जदि एठी कौन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आम ये टंके लेखा करदे टंके लेखा करदे
ताहले आमे से प्रोडक्ट को मार्केट रे केते टंका रे सेल करबा 2 टंका गैप एठी 3 टंका रे प्रोडक्शन होतला 5 टंका रे सेल करले अर्थात 2 टंका प्रॉफिट रखी कि सेल करले ताले एठी भी 2 टंका प्रॉफिट रखले 3 टंका रे मार्केट रे सेल हबो जदि 3 टंका रे गोटे पेंसिल टी अवेलेबल रहूची ताले जो पेंसिल आगुर 100 टंका सेल होतला सी बर्तन कोन ना 300 टा कि 400 टा पेंसिल सेल हबो काहे कि ना कम रेट रे पेंसिल मिलूची सो गोटा को जदि 3 टंका लेखा हला ताले 300 टा पेंसिल हमर सेल करले 900 टंका बिजनेस कोन करिवो सेलिंग करिवो ताले देखो एटी 500 टंका गुड सेल करूथला एटी 900 टंका रे सेल करला काहे कि ना एटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टी पिले 3 टंका रु टंकाटे हे गला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जदि कमीबो देख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जदि कमीबो प्रोडक्ट रो प्राइस मध्ये कमीबो प्रोडक्ट रो जदि प्राइस कमी गला सेलिंग प्राइस कमी गला प्रोडक्ट टी अधिका सेल हबो प्रोडक्ट टी जते अधिका सेल हबो सेते अधिका बिजनेस प्रॉफिट अर्न करिवो बुझियो छी सो एठी जो जिंस टी लेखाई छी पिले नोटिस कर कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करे बारे कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करे सो दैट द कंज्यूमर गेट द प्रोडक्ट आट मिनिमम प्राइस सो दैट कंज्यूमर बा ग्राहक कौन करती ना प्रोडक्ट को मिनिमम प्राइस अर्थात कम प्राइस रे पाती एंड कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट कंपनी कौन करती अधिका प्रॉफिट अर्न करती बाय सेलिंग मोर गुड्स आट लोअर प्राइस अधिका गुड्स को कम प्राइस रे सेल करी कंपनी अधिका प्रोडक्ट कंपनी अधिका प्रॉफिट अर्न करती बुझीला नेक्स्ट आसिला एडवांटेज टू वर्कर वर्कर मानकु कोन एडवांटेज मिले ना वर्कर मानकु जो वेज दिया जाए बा जो तांकु जो दिया जाए दरमा जो दिया जाए सो सेई दरमा फिक्स करिवारे किंबा तांकु जो रेगुलर बेसिस रे बोनस किंबा गुडी इंसेंटिव प्लान्स अछि ताकु फिक्स करिवारे ए जो इंसेंटिव प्लान्स पई मध्य कॉस्ट अकाउंटिंग रे डिफरेंट मेथड्स अछि एटा आगु को हमें पढ़िबा सो बोनस एवं इंसेंटिव स्कीम गुडी को पई हेल्प करे वर्कर मानों को कॉस्ट अकाउंटेंट एवं सबूती इंपोर्टेंट स्टेबिलिटी इन टेनर ऑफ वर्कर पिले टेनर ऑफ वर्कर अर्थ वर्कर मानों को गोटे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा जाए कि तुम मानों को कामरू काढ़ी दिया जीवो नहीं कौन हुए ना बेले बेले बहुत कंपनी रे वर्कर मानों को आइदर अलग जगह को ट्रांसफर कर दिया जाए ना मन इच्छा चाकरी रे काढ़ी दिया जाए ना बोनस गुड़ी दि जाए ना सो एभली भाव में होगा द्वारा कौन हुए ना वर्कर मैंने डिससाटिस्फाई हो कम छाड़ी पलाती कि जो वर्कर मैंने बाध्यतार काम करती से मन ध्यान दिंती तेणु स्टेबिलिटी अर्थात गोटे स्थिरता रखा जाए टेनर ऑफ वर्कर तांकु गोटे सिक्यूरीटी तांकु गोटे सिक्यूरीटी प्रोवाइड करा जाए तांकु गोटे कुहा जाए जे तुम मानको कामरू कढ़ा जीवो ना तुम मानकर बोनस वेजेस जहाँ भी अच्छी तुमको ठीक टाइम रे पेमेंट करा जीवो एतिकी सिक्यूरीटी पाई सल्ला परे एतिकी ग्यारंटी पाई सल्ला परे वर्कर माने तांकर जेतेक एफर्ट्स अच्छी जेतेक प्रचेष्टा अच्छी से माने काम रे लगांती एवं अल्टीमेटली बिजनेस रो ही प्रॉफिट अर्न हुए ओके नेक्स्ट देखिबा हमें फ्रेंड्स लिमिटेशन ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग अर्थात कॉस्ट अकाउंटिंग रो डिमेरिट कोन देखो कहिला कॉस्ट अकाउंटिंग इज लाइक अदर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट एग्जैक्ट साइंस एटा गोटे एग्जैक्ट साइंस नुह बट एन आर्ट एटा होची गोटे आर्ट बा कला व्हिच हैज डेवलप्ड बाय थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस सो थ्योरीज केते गुडिए प्रिंसिपल्स केते गुडिए प्रैक्टिसेस ओके प्रैक्टिकली अप्लाई करबा द्वारा कॉस्ट अकाउंटिंग को डेवलप करा जायची बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड कॉमन सेंस निजर कॉमन सेंस बा मानसिक बुद्धि को यूज करिकी कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करा जाए एनी प्रिंसिपल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटिंग चेंजिंग विद द चेंज इन टाइम एंड सर्कमेंटेंसेस सो जिते गुड़िए भी सब प्रिंसिपल्स अच्छे अकाउंटिंग रो से प्रत्येक प्रिंसिपल समय एवं स्थान बा सिचुएशन अनुसार चेंज हो जाए अर्थात आम गोटे प्रिंसिपल को सब समय कि सब सिचुएशन अप्लाई करके सो बर्तमान देखा कि लिमिटेशंस कॉस्ट अकाउंटिंग रो प्रथम आसला कॉस्ट अकाउंटिंग लैक्स ए यूनिफॉर्म सॉरी एटा इनफॉर्म हो जाए एटा यूनिफॉर्म कर UNIFORM यूनिफॉर्म प्रोसीजियर ओके लैक अर्थ अभाव यूनिफॉर्म प्रोसीजियर अर्थ गोटे पर्टिकुलर प्रोसीजियर सो कॉस्ट अकाउंटिंग रे कौन करा जाए ना देख अकाउंटेंट माने कौन करती ना किसी अकाउंटेंट हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस रे कॉस्ट स्टेटमेंट तैयारी करती किसी अकाउंटेंट कौन करती ना फ्यूचर बा फोरकास्टेड कॉस्ट को यूज करिकी तांकर स्टेटमेंट तैयारी करती सो सेमिति कोनो से यूनिफॉर्म बा गुटिए प्रोसीजर नाही डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर हेबा द्वारा कौन हुए ना एक गोटे कॉस्ट अकाउंटेंट जेते बेले तार कॉस्ट शीट तैयारी करे बा कॉस्ट स्टेटमेंट तैयारी करे तार रिजल्ट जहाँ आसे अन्य कॉस्ट अकाउंटेंट जेते बेले अलग प्रोसीजर को यूज करे कि कॉस्ट स्टेटमेंट तैयारी करे तार रिजल्ट अलग आसे सो एठी कौन हुए ना रिजल्ट रे डिफरेंसेस आसी जाए काहे कि ना आमर प्रोसीजर रे यूनिफॉर्मिटी नाही
ओके एटा होची फास्ट लिमिटेशन। सेकेंड रे आसिला देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कन्वेंशन एस्टिमेट्स एंड फ्लेक्सिबल फैक्टर्स। एटा को बुझिबा को ट्राई करो। देख कॉस्ट अकाउंटिंग रे कौन ना डिफरेंट कन्वेंशंस अच्छी। कन्वेंशंस रा अर्थ पिले डिफरेंट टेक्निक्स अच्छी, डिफरेंट टेक्निक्स अच्छी, डिफरेंट प्रिंसिपल्स अच्छी, कौन सी गोटे निर्दिष्ट प्रिंसिपल नाई। ओके लार्ज नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स अच्छी। आमर जो कॉस्ट अच्छी नॉर्मली आम देखुचे कॉस्ट खर्च, बट कॉस्ट अकाउंटिंग रे जितेबेला आम देखिबा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट अच्छी। कॉस्ट को एलिमेंट वाइज, लेबर वाइज, ओवरहेड वाइज ताकू पार्टीशन कराई, ताकू डिवाइड कराई, बहुत प्रकार कॉस्ट अच्छी। ओके स्टैंडर्ड कॉस्ट अच्छी, मार्जिनल कॉस्ट अच्छी, कंट्रोलेबल कॉस्ट अच्छी, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट अच्छी, डायरेक्ट कॉस्ट अच्छी, इनडायरेक्ट कॉस्ट अच्छी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अच्छी। सो बहुत प्रकार कॉस्ट अच्छी एवं डिफरेंट सिचुएशन रे डिफरेंट कॉस्ट को आम नौ, कॉस्ट को प्रॉफिट को काढ़ बुझीगला। से ही भाव में जो एस्टिमेट गुड़िक करा जाए बिजनेस रे कौन करा जाए ना फोरकास्टिंग वे रे भी मध्ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करा जाए, बा डाटा को इनफॉरमेशन रिकॉर्ड करा जाए जे भविष्य एटा घटी पारे, भविष्य एटा हो पारे, बुझी। एवं फ्लेक्सिबल फैक्टर माने बहुत गुड़िए जिनस एमती अच्छी जो गुड़िक टाइम व्वज और सिचुएसन व्वज चेंज होता है कॉस्ट अकाउंटिंग रे। ओके सो यार नोट जहाँ लेखाई तुम्हें पढ़व तले जो पीडीएफ रो लिंक दि जाए। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कन्वेंशन एस्टिमेट्स एंड फ्लेक्सिबल फैक्टर्स। सो एगुड़ी को मध्य गोटे गोटे लिमिटेशन, डिफरेंट कॉस्ट अच्छी गोटे पर्टिकुलर कॉस्ट नाई, एस्टिमेट मध्य करके डाटा को रिकॉर्ड करा जाए, एवं फ्लेक्सिबल फैक्टर, फ्लेक्सिबल फैक्टर अर्थात टाइम और सिचुएशन अनुसार चेंजेस होता है किसी फैक्टर अच्छी। ओके बा किसी आइटम्स अच्छी। नेक्स्ट आसीबो फ्रेंड्स मेनी फॉर्मालिटीज आर ऑब्जर्व। देख गोटे कंपनी जितेबाला कॉस्ट अकाउंटिंग को फॉलो करिबा को ट्राए करे सेतेबाला ताकू बहुत गुड़िए कॉस्ट बियर करिबा को पड़े, बा बहुत गुड़िए कॉस्ट देबा को पड़े। ओके जमीती कि गोटे अच्छी एस्टाब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एस्टाब्लिशमेंट कॉस्ट, बा गोटे रनिंग कॉस्ट अच्छी जो गुड़िक बहुत अधिका थाए। ओके तार अमाउंट गुड़िक हेवी हेवी थाए, तेणु गोटे मध्यम धरणर किंबा छोट धरणर कंपनी एलिजिबल हुए नाही बा सक्षम हुए नाही से कॉस्ट को बियर करिबा पई, तेणु कॉस्ट अकाउंटिंग को केवल माने बिग ऑर्गेनाइजेशन बा बिग कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करी पारंती। काहेकि ना सेति पई जो कॉस्ट गुड़िक तांको लागे एस्टाब्लिशमेंट एक्सपेंसेस बा एस्टाब्लिशमेंट कॉस्ट किंबा रनिंग कॉस्ट जो गुड़िक गोटे गोटे फॉर्मालिटीज बोली कहा जाए, से ही कॉस्ट गुड़िक केवल बिग ऑर्गेनाइजेशन ही बियर करी पारिबे, बुझी। स्मॉल एवं मीडियम धरणर जो कंपनी गुड़िक अछंती से माने ताकू बियर करी पारिबे नाही। लास्ट बट नॉट द लिस्ट हैंडलिंग फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन हैज नॉट बीन मच। देखो फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन भविष्य में किसी गोटे घटना घटने को जाऊँगी कॉस्ट अकाउंटिंग हैंडल करिपारे नाही, बुझे। जमी भविष्य में जदि कौन जिनस दरदाम बढ़िबार अच्छी तेल कॉस्ट अकाउंटिंग से दरदाम को बढ़िबार अटकई पारिबो नाही बा ताको कंट्रोल करिपारिबो नाही। जोटा कि तुम बही नोट देछि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, इन्फ्लेशन अर्थ दरदाम धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी चले, पांच टका पेन दस टका हो जाए, आलु किलो कोड़े टकर तीस टका हो जाए। सो एटी तो पेन आलु देखानी, एटी आम बिजनेस जो गुड्स दरकार से गुड्स रेट धीरे धीरे बढ़ी चले, भविष्य में जदि सेटा बढ़िबो तले कॉस्ट अकाउंटिंग वर्तमान ताको कंट्रोल करिपारिबो नाही। सो एगुड़ी को थिला किछि लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सो फ्रेंड्स आज क्लास टी को एटी रखा। देख मु जहाँ भी तुमको सर्ट सर्ट नोट रे एक्सप्लेन करैली तार डिटेल नोट तले जो लिंक टी दिया जाइछि से लिंक थ्रू तुम्हें गोटे पीडीएफ पाइज, पीडीएफ रे तुमको नोट देइछि, वीडियो को देखि सारापर नोट को रीड कर। जदि कौनसी जगह बुझी आसुनी प्रोब्लेम होछि देन यू कैन आस्क मी ईदर इन द कमेंट बॉक्स बिलो और यू कैन कंटाक्ट विथ मी थ्रू द व्हाट्सएप नंबर गिवेन इन माई चैनल। ओके सो क्लास टी को एटी रखा, क्लास टी को शेष जाए देखी धन्यवाद फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।